हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम हैं नर्मदा जी के किनारे संगम पर। संगम कहे तो यहाँ पर तवा नदी और नर्मदा जी का संगम हुआ है, और इन दोनों संगम के बीच में एक शिव मंदिर है। तो यहाँ के लोगों के अनुसार बताते हैं वो मंदिर सतयुग का बनाया हुआ मंदिर है, और राजा रघु द्वारा वो मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो आइए आप हमारे साथ देखेंगे, उस मंदिर का दर्शन करेंगे, सतयुग का बना हुआ मंदिर। प्रेम से बोलिए नर्मदे हर। और ये देखिए, हम मंदिर के नज़दीक पहुंच रहे हैं। काफ़ी अजीब रास्ते से होकर आए हैं, दोनों नदियों का संगम। ये देखिए, और ये देखिए आप, इधर ये तवा नदी दिख रही है, और इसके इधर ये माँ नर्मदा। इन दोनों के बीच में ये मंदिर है। बताते हैं कि सतयुग में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। ये हालांकि अब ये जीर्ण शीर्ण होने लगा है। जीर्ण हो गया है। हाँ, ये पहली किरण जो सूर्य नारायण की, हाँ, यहाँ के बारे में बताया जाता है कि भगवान सूर्य की पहली किरण, जैसे सूर्य भगवान निकलते हैं तो पहली किरण भगवान भोलेनाथ पर पड़ती है सीधी। ये अभी हम आ गए हैं गर्भगृह में। यहाँ पे पंडित जी, यहाँ पे अपन बोलते हैं संजय जी, कोई भी सब बोलते हैं उनसे, तो वो उलट के चार पांच दान वापस आती है आवाज, इको होती है जी। हाँ, आवाज इको होती है। फिलहाल तो भगवान शिव के अद्भुत दर्शन। ओम नमः शिवाय। बताते हैं इस मंदिर का उल्लेख नर्मदा पुराण में किया गया है, तो उसके अनुसार बताते हैं राजा रघु के द्वारा बनवाया गया जी मंदिर है। बनावट तो बहुत पुरानी है, वही इसमें कहीं सीमेंट सरिया का प्रयोग नहीं है। ये मंदिर जो पुरानी इमारतें बनती थी उसी के अनुसार बनाया गया। चूना मिलाकर मिक्सचर करके बनाया जाता है। चूना, बेल, गुड़, अच्छा, बेर, गुड़, दाल, हाँ, ये सब मिला मिक्स करके बनाया जाता है। अद्भुत। अच्छा, ये देखिए मंदिर का निर्माण जो है बहुत प्राचीन है। गुम्बद भी उसकी देखी, बड़ी अजीब आकार लिए हुए है। और ये कुछ यहाँ पर देखिए, ये समाधियाँ बनी हुई हैं, जो यहाँ पर साधु संत यहाँ पर रहे हैं। और सामने देखिए ये नर्मदा जी, ये बांद्रावान दक्षिण तट का खर्रा घाट ये बोला जाता है। बहुत आप पानी की आवाज़ भी आप सुन रहे होंगे। यहाँ पर गहराई बहुत कम है, लेकिन बहाव बहुत तेज है पानी का। पत्थर हैं, बहुत तेज बहाव। चलो इधर इधर आओ। ये देखिए कितना पत्थर ही पत्थर है नर्मदा जी में। ये देखो पानी का बहाव तेज है, लेकिन ऐसे पत्थरों से होकर के पानी जाता है, इसमें नाव भी क्या करेगी। यहाँ पर नाव भी काम नहीं करेगी, क्योंकि पत्थरों से टकराकर नाव भी दम तोड़ देगी।
ये अद्भुत, बहुत सुंदर। ये देखिए बहुत चिकना पत्थर है ये। नर्मदे हर यो हो, इन पत्थरों में ये देखिए पत्थर इतने चिकने हैं कि इन पर पैर फिसल रहे हैं, संगमरमर की तरह बिल्कुल चिकने। अरे वो इतने गौखर कहाँ है, ये तो अबे तो धार में है। अच्छा गौखर धार में है जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं, गाय के पदचिन्ह पत्थर पर, गाय के पदचिन्ह हैं तो उन पदचिन्हों को देख रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं ये पानी के अंदर डूबे हुए हैं, फिर भी पानी के पास चलने का प्रयास करते हैं। ये है देखिए नर्मदा जी का खर्रा घाट, और ये बहुत रहस्यमय घाट है। इस घाट के कई एक रहस्य हैं। एक तो ये देखिए सामने आप देख रहे होंगे जो काली काली झाड़ी दिख रही है पानी के अंदर, तो वहाँ पर चट्टान के ऊपर गाय के पदचिन्हों के निशान हैं। अभी तो पानी बहुत है और जब पानी कम हो जाता है तो बताते हैं कि उसकी पूजा करने के लिए लोग यहाँ आते हैं, और इन्हीं चट्टानों में एक जगह ऐसी है कि जिस चट्टान पे आप पैर मारेंगे तो ये लगता है जैसे अंदर से खोखली हो, ढोलक जैसी आवाज तो आती, ढोलक जैसी बता रहे हैं आवाज़ आती है उस चट्टान से। तो मंदिर है उसके, बताते हैं उसके नीचे अनुमान लगाया जाता है उसके नीचे मंदिर है। ऐसे ही नर्मदा जी का ये घाट कई रहस्यों से भरा है, और इसके लिए तो पुरातत्व विभाग वाले ही पूरा उसका निचोड़ निकाल सकते हैं। पर जितना लोगों के मुंह से सुनते हैं या कहीं पढ़ते हैं उतना बता पाते हैं। बहरहाल बहुत सुंदर लग रहा है, और ये पानी की आवाज़ भी आप सुन रहे होंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। कभी टाइम निकालिए, आइए नर्मदा जी के किनारे और नर्मदा जी के रहस्यों को जानिए। और इस बात का मेरा दावा है कि आप जितना ही नर्मदा जी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे उतना ही आप उनके निकट होते चले जाएंगे। प्रेम से बोलिए नर्मदे हर। और एक रहस्य उद्घाटन करते हैं हम आपको। जैसे ये धार चल रही है, गर्मियों में जब नौ तपा बोलते हैं, जब भयानक गर्मी होती है, भयंकर गर्मी, आदमी का शरीर झुलसने लगता है धूप में, उस समय ये धार तो सूख जाती है, इसके उस तरफ वो धार चलती रहती है। तो बताते हैं वहाँ आके अगर बैठ जाएंगे, जैसे ही लपट चलती है तो लपट इतनी ठंडी होकर के आती है कि उन दिनों भी लोगों को सर्दी लगने लगती है, सर्दी का आभास होने लगता है, इतना ठंडक रहती है यहाँ पर। तो नर्मदा जी के बारे में तो जितना जानेंगे उतना कम है। बहुत अच्छा स्थान लगा, बहुत प्रिय स्थान नर्मदे हर। हेलो दोस्तों, अभी हमने दर्शन किए भगवान शिव के और माँ नर्मदा के, बहुत अच्छा लगा। अभी भी आप यहाँ से देख रहे हैं हमारे पीछे। अब हम अपना ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। देखते रहिए आप YouTube चैनल एहसास प्रकृति का, और हम आप कोशिश करते हैं प्रकृति से जुड़े हुए और साधु महात्माओं के तथा हिस्टोरिकल पैलेसों को आपको दिखा सकें। इसी श्रृंखला में ये वीडियो था। देखते रहिए YouTube चैनल एहसास प्रकृति का। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, नर्मदे हर 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 नर्मदा, साथ रहो सर्वदा। जय हो।